और ग्रेटर नोएडा हादसे पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है और जब से घटना घटी है तब से हम सब लोग उस घटना को लेकर के दुखी भी हैं, चिंतित भी हैं। जिन लोगों ने भी उस बिल्डिंग को अवैध रूप से बनाने का काम किया है उनके खिलाफ भी, और जो अधिकारी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो तीन लोगों के अभी तक मारे जाने की पुष्टि हुई है और उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो शेष बचे हैं एनडीआरएफ सहित पूरी उत्तर प्रदेश की जितनी भी एजेंसियाँ वह भी सब लगी हुई हैं, जो दबे हैं वह सकुशल बाहर आवें इसके लिए प्रयास हो रहा है। लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को बहुत मैं दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं, दुखद मानता हूं, और जिस स्तर से भी लापरवाही हुई है उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो आप लोग लगातार सरकार आपकी जो बिल्डर्स जो अवैध बिल्डिंग का निर्माण करते हैं इसको लेकर आप सख्त कदम उठाते रहते हैं, खासकर नोएडा में ये बहुत बड़े पैमाने पर है, आपको क्या लग रहा है क्या सरकार कितना सख्ती से और गंभीर? नहीं सर, सरकार पूरी सख्ती बरतेगी और हम किसी भी कीमत पर किसी की जान के साथ खिलवाड़ करने की, चाहे वह बिल्डर्स हों चाहे वह कोई दोषी अधिकारी हों, किसी को छोड़ेंगे नहीं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारा प्रयास इतना ही है कि इस प्रकार की दुर्घटनाएं भविष्य में ना होने पावें, इसको रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और पता किया जाएगा कि इस प्रकार से बिना अनुमति लिए कौन निर्माण कर रहा है, और अगर निर्माण कर रहा है तो उसके खिलाफ विभाग ने क्या कार्रवाई की इसका भी हम पता करेंगे। अगर कहीं कोई दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई कठोरतम की जाएगी। और सभी अधिकारी पूरी तत्परता से लगे भी हैं, एनडीआरएफ भी वहां आ चुकी है, और हमारा प्रयास है कि यह तो तीन लोगों की सूचना अभी तक हमारे पास आई है, लेकिन अन्य जो दबे हों जिसकी संभावना वहां पर बताया जा रहा है उनको कैसे सकुशल बाहर निकाला जाए उसका प्रयास कर रहे हैं।